is about oscillatoria. And oscillatoria is a type of the blue-green algae. First, we will discuss about the introduction. Oscillatoria has 76 species, and that is cosmopolitan in the nature. Cosmopolitan means the found everywhere. And it can be found in the wide variety of the habitat. Majority of the freshwater is found, and the few are also found in the wet market. तकरीबन हर किस्म के माहौल के अंदर आपको नजर आएगा। ये भी याद रखना कि अगर कोई एनिमल या प्लांट डिफरेंट हैबिटेट के अंदर होगा तभी उसकी वैरायटी, उसकी तादाद, उसकी पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर टेक्टोनिक दैट मे फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस एंड सम आर द एपिफाइटिक। एपिफाइट मीन दैट फाउंड ऑन द अदर प्लांट्स। ये दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर या उसके ट्रंक के ऊपर आप नजर आ सकते हैं। एंड फ्यू ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्जी। कुछ ऐसे भी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्जी के साथ भी एसोसिएटेड या अटैच हो सकते हैं। एंड फ्यू फॉर्म द थिक पैचेस, गाढ़े गाढ़े पैचेस बनाते हैं, धब्बे बनाते हैं। कहां पर? ऑन द वाटर टू फॉर्म बलूनिंग। पानी के ऊपर मोटी मोटी तह बना देते हैं, मोटे मोटे गुच्छे बनाते हैं, तह बना देते हैं, जिसको हम बलून कहते हैं। और इस नेचर की वजह से दैट ऑसिलेटोरी इज आल्सो नेम्ड एज अ डॉग डे वाटर बलून। एंड देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अगर इसको देखा जाए कैसा आपको नजर आएगा, सिंपली अनब्रांच फिलामेंट, फिलामेंट होगा, धागा हुआ होगा, रेशेदार होगा, लेकिन उसकी ब्रांचें आपको नजर नहीं आएगी, अनब्रांच है, जैसे कि आपके नजर आ जाए। अब ऐसा फिलामेंट जो अनब्रांच हो उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम ये भी कहते हैं कि जिसमें चेन लाइक सेल्स हो, कतारों के अंदर सेल्स आ रहे, वो ट्राइकोम है। ट्राइकोम इज सिंपल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ट्राइकोम होगा, फिलामेंट होगा, उसमें तकरीबन सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि ट्राइकोम आपको नजर आ रहा, इसके बाद अपने शीट आपको नजर बिल्कुल नहीं आ रही। इसके टॉप के ऊपर आपको एक सेल ऐसे कर्व शेप नजर आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन ढकने की तरह उसका है। अगर दूसरे कॉमन सेल्स को देखा जाए उनकी विड्थ ज्यादा है, उनकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन उन सेल्स की लंबाई वो कम है। दी सेल्स आर मच ब्रॉडर एज कंपेयर टू द लॉगर या लेंथ। इन्हीं एक दो सेल्स को हम मजीद बड़ा करके देखते हैं कि इसमें आपको क्या नजर आएगा। ये वही चेन लाइक सेल्स आ रहा है, उसका वही ट्राइकोम आ रहा है एक सेल। Then the second cell, this one is the third cell. हर सेल की अपनी सेल वॉल और हर सेल के आपको टू एरिया नजर आ सकते हैं क्लियरली। द आउटर एरिया इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, तो कलर्ड है जी, उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। एंड द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोप्लास्ट, और इसी के अंदर उसका डीएनए वो आपको जल्दी यहां पर नजर आ सकता है। The nucleic acid is not properly organized into chromatids or chromosomes. ये तो आपने पढ़ा है कि जितने blue green algae हैं, including the bacteria and the blue green algae are the prokaryotes, उनमें कहीं भी आपको वाज़े तौर पर क्रोमोसोम नजर नहीं आएगा, ना क्रोमेटिड होते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर न्यूक्लिक एसिड होगा, उसका डीएनए होगा। और इस तरह के न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट है, बकायदा नहीं है इसका न्यूक्लियस। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और नंबर टू वहां पर क्रोमोसोम भी नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको डीएनए नजर आ सकता है। नेक्स्ट इज अ मूवमेंट। मूव कैसे करते हैं वाटर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। नंबर वन इज कॉल्ड ग्लाइडिंग और क्रीपिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग करना पानी के अंदर तैरना, या क्रीपिंग करना पानी के अंदर आगे आहिस्ता आहिस्ता रिंगना। और कैसे मूव करते हैं? अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस
along the long axis, forward या फिर backward उसकी movement हो सकती है, और फिर ये movement clockwise या anti-clockwise हो सकती है, ये gliding arc movement है. Then it's a oscillatory या oscillatory movement, oscillatory, oscillation से बराबर है pendulum की तरह जो movement, oscillation है. यानी कि बाज बार इसकी movement यूं भी हो सकती है कि pendulum आता है, यूं जा सकती है इस साइड को पर या इस साइड को पर टू एंड फ्रो उसकी मूवमेंट यू हो सकती है. इसी पेंडुलम लाइक मूवमेंट की वजह से इसका नाम ऑसिलेटरी है, इसको हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं, पेंडुलम लाइक मूवमेंट. तो इसी मूवमेंट की वजह से इसका नाम ऑसिलेटरी रखा हुआ. नंबर थ्री इज़ अ बेंडिंग मूवमेंट, रैपिड बेंडिंग हो सकती है, इसका टाइप ऑफ बेंड हो सकता है, मूव सकता है किसी साइड को, उस वजह से कि विवाद के चैनल मूव कर सकते. देन इट्स अ क्रोमेटिक एडॉप्टेशन, यानी कि डिफरेंट कलर्स के अपीयर होते हैं. जैसे हम देखते हैं बाद बाद जो पिजन वगैरह है, कबूतर वगैरह है, गर्दन को हम देखें तो जब वो मूव करते हैं गर्दन को तो उसके डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं, रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है. तो उसी तरह जब डिफरेंट वेव लेंथ की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसके डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं. कहते हैं गैडिकोफ, गैडिकोफ साइंस का नाम, गैडिकोफ ने ये ऑब्जर्व किया कि दे चेंज द डिफरेंट कलर्स इन द डिफरेंट वेवलेंथ. कहा उसने देखा था कि ऑसिलेटरी का सेंटर, ऑसिलेटरी सेंटर के अंदर उसने ये क्रोमेटिक एडॉप्टेशन भी ऑब्जर्व किया. वो समझाते हैं आपको, अगर ग्रीन कलर इसका अपीयर होगा कहां पर, रेड लाइट, अगर ज्यादा पर हम लाइट आ रही है तो उसका कलर ब्लू ग्रीन भी अपीयर हो सकता है, और ग्रीन लाइट के अंदर रेड कलर इसका अपीयर हो सकता है. देखो ना, अगर रेड लाइट है तो ग्रीन कलर अपीयर होगा, उसको उल्टा दे अगर ग्रीन होगा लाइट होगी तो फिर कलर उसका रेड आएगा. अब नेक्स्ट है उसकी रिप्रोडक्शन, उसके लाइफ साइकिल. अब ध्यान करना कि जितना प्रोकैरियोट्स है किसी के अंदर भी बकायदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नजर नहीं आने वाला है. देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल इन ऑसिलेटरी. फिर इसमें रिप्रोडक्शन या डिवीजन कैसे होती है, हार्मोन होने के लिए. हार्मोन होने क्या होता है कि जब ट्राइकोम टूटेगा तो उसके टूटने से टुकड़े जो बनते हैं उसे कहते हैं हार्मोन, द ब्रोकन फिलामेंट, द ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड हार्मोन. तो फिलामेंट टूटेगा, टूटा हुआ टुकड़ा जो बनेगा वो हार्मोनिया, हर हार्मोनिया आगे ग्रो करके एक नए ऑसिलेटरी के अंदर चेंज हो सकता है. हार्मोनिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू बाइकर्नियल सेपरेशन डिस्क. उस ट्राइकोम के अंदर आपको कहीं कहीं सेपरेशन डिस्क नजर आ सकती है. कैसे होते हैं बाइकर्नियल है, उस कंकेव लेंस की तरह. अब डिस्क बनती क्यों है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डेथ ऑफ एन इंटरवेनिंग सेल. इंटरवेनिंग द्रव्यमान सेल, कोई द्रव्यमान जो सेल बनता है जब वो डेथ डाई करेगा उसके मरने की वजह से वहां पर एक डिस्क बनती है, उसका नाम है सेपरेशन डिस्क. तो सेपरेशन डिस्क इज द ब्रेकिंग पॉइंट जहां से टूटेगा टुकड़ा. जैसे हम कहते हैं ये टुकड़ा वहां से अलग हो चुका है, ये टूटा हुआ टुकड़ा हार्मोगोनिया कहलाएगा, और हर हार्मोन नेक्स्ट ग्रो करके इस तरह के ड्यू ट्राइकोम के अंदर चेंज है वो हो सकता है.